नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न सूप अपनी बेटी के डिमांड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सब्जी कट करके रख लिया था, तो ज़्यादा सब्जी नहीं लिया है हमने, कैरेट और कैप्सिकम लिया है। आप चाहे तो कैप्सिकम स्किप भी कर सकते हैं या सिर्फ स्वीट कॉर्न का बना सकते हैं। यहाँ मैं स्वीट कॉर्न जो यूज़ कर रही हूँ फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, इसे मैंने बॉयल कर लिया था। इसे हम मिक्सी में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, इसका ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इसे जैसा आप देख पा रहे हैं सेम ऐसा ही रखिएगा। तो इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने बटर डाल दिया है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या फिर रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेट एंड कैप्सिकम डाल के हल्का सा सॉटे कर लेंगे हम इसे अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न यूज़ कर रही हूँ, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हमने जो स्वीट कॉर्न का पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी मैं इधर। फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी अपने आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको पतला सूप पसंद है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा, अगर थिक सूप पसंद है तो कम। हम लोगों को तो गाढ़ा सूप ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पानी यहाँ पे कम डाल रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच चीनी डाल दिया है छोटे चम्मच से। उसके बाद मैंने यहाँ पर काली मिर्च डाल दिया है इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी देर इसको बॉयल होने देंगे हम। इसके बाद इसको थोड़ा सा और गाढ़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है मैंने। इसमें पानी डाल के हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। फिर हम इसे सूप में डाल देंगे थिक होने के लिए। सूप में डालने के बाद हम सिर्फ 2 मिनट इसे सूप को बॉईल करेंगे। इसमें मैं फिर नमक डाल दूंगी हल्का सा, उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे हम। फिर मैं इसे थोड़ी देर और बॉयल होने दूँगी इसे। मैं यहाँ बच्चे के पर्पज़ से बना रही हूँ, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा मिर्ची वगैरह मैंने कम डाला है, काली मिर्च वगैरह। और आप चाहे तो सिर्फ नमकीन सूप भी बना सकते हैं, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सूप सर्व कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऊपर से बटर डाल दूँगी जिससे टेस्ट अच्छा हो जाए, और काली मिर्च डाल दूँगी, इससे गले में बहुत राहत मिलती है। तो चलिए ज़रा देखते हैं अपनी बेटी का रिएक्शन। उसे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।